हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकिता और मैं हूं नितिन। वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन लंदन। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पे मिनी इंडिया दिखाने के लिए। बट मिनी इंडिया टोटल कम है, लेकिन मिनी साउथ इंडिया बोल सकते हैं उसको। टू बी स्पेसिफिकली साउथ का सारा सामान मिलता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो हम लोग जा रहे हैं ईस्ट हैम। ईस्ट हैम मतलब ऐसा देसी इलाका है पूरा, और हर तरह की शॉपिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। मतलब वही टिपिकल शॉप्स देखो, ऐसे बाहर सब कुछ ही लगा हुआ है, मतलब सब्जी वब्जी कुछ भी ले लो। और भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको आगे जाके। ये देखो, ये केक की शॉप आ रही है, इस पर मतलब सब रखा है, डबल टीयर, थ्री टीयर, पता नहीं क्या क्या। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंदन का महालक्ष्मी टेंपल, बहुत ही भव्य बना हुआ है अंदर से। हम एक बार कियान को अंदर लेके जा चुके हैं और मोस्टली हम यहीं पे आते हैं, तो काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पे। बहुत ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ग्रोसरी शॉप्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो देखिए, काफ़ी कुछ सामान पड़ा है और मतलब रेट्स भी काफ़ी सही होते हैं यहाँ पे। ये शॉप बंद हो गई है लगता है, पर हाँ, ये साड़ियों वगैरह की दुकान है, इंडियन कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। और नेक्स्ट है ये ज्वेलरी की शॉप, काफ़ी सारी मिलेंगी यहाँ पे, और मतलब बिल्कुल जो साउथ में ज्वेलरी मिलती है वो सारी मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये शक्ति है, यहाँ का राशन की दुकान है, यहाँ सब सामान मिलता है। तो देखिए, यहाँ पान शॉप भी है, यहाँ पर पान भी मिल जाता है, बढ़िया। ये एक और ज्वेलरी की दुकान है, अब रेट तो पता नहीं क्या होंगे, कहाँ बेटर मिलते हैं, बट हाँ मिलता सब है यहाँ पे। और ये ब्यूटी सैलून, तो लंदन में बाकी एरियाज के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ी चीप सर्विसेज मिल जाएंगी आपको। आगे ये शॉप है, यहाँ सब मंदिर का सामान मिल जाता है, सब तरह की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये शॉप बड़ी सही लग रही है यार, यहाँ पे लहंगा वगैरह सब कुछ मिल रहा है, और साड़ी वाड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जी, ये भाई एक और ज्वेलरी की दुकान, मतलब पूरा करोल बाग वाली फीलिंग आ रही है, साड़ी वाड़ी सब ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सारे शॉप्स और इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, ग्रोसरीज सब सब कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आके लगता ही नहीं है कि आप लंदन में खड़े हैं। और यहाँ पे दो स्वीट शॉप्स भी हैं, एक ही आइडियल है और एक ये निराला है। ये निराला की मतलब हमें सही लगती है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और जिनको सिल्क की साड़ीज का शौक है, यहाँ पर ये शॉप है महालक्ष्मी साड़ीज, यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी सिल्क साड़ीज की, एज यू कैन सी इज वेल। देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। तो नेक्स्ट ये है शॉप जहाँ पे सारे आपको खिलौने और रोज़मर्रा का सामान मिल जाएगा, तो काफ़ी सही है यहाँ पे। देखिए डब्बे वब्बे रखे हैं, बाल्टियाँ, स्टूल्स सब रखा है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरवाना भवन, और आपको पता ही होगा ये 100 से ज़्यादा देशों में है, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर ब्रांच हमें इतनी पसंद नहीं है, इसमें इतना अच्छा नहीं है इनका डोसा, तो हम किसी और रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि वहाँ क्या क्या मिलता है। तो देखिए, खचाखच भर रखा है पूरा ये, और लोग लगे हैं अपना खाने में। हमें तो वैसे यहाँ का साउथ इंडियन फूड पसंद है, बट यहाँ पे सब वैरायटी है, चाइनीज़ भी है और नॉर्थ इंडियन भी है, सब कुछ है, मतलब वेजिटेबल्स हो गई और चाउमीन, मंचूरियन, स्टार्टर्स, नान, दाल, करीज, डोसा डिफरेंट तरह के, और मतलब प्राइसेस भी काफ़ी डिसेंट है यहाँ पे, तो आप एक काफ़ी अच्छा खासा मील यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो आ गए अपना मसाला डोसा करारा करारा विद 3 चटनीस, टमाटो, कोकोनट एंड मिंट चटनी। और ये है हमारी डिज़र्ट, यहाँ की थोड़ी कस्टमाइज
कुल्फ़ी फालूदा। कुल्फ़ी नहीं है एग्जैक्टली इसमें, इसमें है आइसक्रीम है, बट फिर भी सही लगता है, मतलब टेस्टी है। तो आई होप आपको ये मिनी इंडिया का टूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेट करते रहें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये इंडिया के बाहर का इंडिया। तो डू लेट अस नो इन कमेंट्स। थैंक यू।